हाँ सच है कि अभी नहीं हुए सफल, नहीं आया है किसी रिजल्ट की पीडीएफ में रोल नंबर, ना बता पाए हैं पिता को कि जीत गया उनका संघर्ष। लेकिन ये भी सच है कि मेरी हार पर हंस रहे हर एक व्यक्ति को तारीफ करने का मौका ज़रूर देंगे। वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। मेरे सक्सेस होने की एक वजह ये भी है कि कुछ लोगों को एहसास दिलाना है कि उन्होंने अपनी औकात के बाहर की चीज़ खोई है। राजा बनना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई राजा होता। कई रातें जागते हैं कल को बेहतर बनाने के लिए। हम स्टूडेंट साहब, उठकर गिरना और गिरकर उठना फितरत है हमारी। रूम से बाहर नहीं जाना, किसी से मिलने नहीं जाना, किसी फंक्शन में नहीं जाना आसान काम नहीं है। एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है सालों तक खुद को एक कमरे में कैद करके रखना कितना मुश्किल होता है। घर से दूर रहना ठीक है, लेकिन अपनी माँ के बिना रहना बहुत मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफें आ रही हो, आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की। अगर मेरी मानो तो अपनी ज़िंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो, आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी। ये ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना होगा। सफलता के मौके हमारे आसपास ही होते हैं, हमें बस उसकी पहचान करनी होती है। जब आप एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो, तो उस समय एक टॉपर अपनी नींद को त्याग कर पढ़ाई कर रहा होता है। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, इसलिए कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, वरना समय का पता नहीं चलेगा निकल जाएगा कब। मेरा हर एक हार से वादा है कि अगली जीत एक तरफा होगी।